हेलो दोस्तों, गुड आफ्टरनून सभी माताओं भाई बहनों को, मेरा प्यार भरा राम राम यानी कि सुनीता का। तो आप सभी कैसे हैं? आशा करती हूँ कि आप सभी स्वस्थ और मस्त होंगे। तो फ्रेंड्स, हम भी स्वस्थ हैं और आप सभी का फिर से स्वागत करती हूँ मेरा एक न्यू ब्लॉग में। तो फ्रेंड्स, हो गई थी सुबह की दोपहर का, लगभग 3 बज गए थे फ्रेंड्स, और हम इस टाइम पर अपना ब्लॉग जो है वो स्टार्ट कर रहे हैं। तो हम ना गोबर से लिपाई कर रहे हैं फ्रेंड्स बरंदे की, जो कि आप लोग देख सकते हैं। तो अभी जो है हमने मिट्टी का बहुत सारा लिपाई दिखाए, तो मिट्टी ही मिट्टी से सब तरफ का लिपाई किए थे फ्रेंड्स। तो हम सोचे एक बार गोबर से ही पुताई कर देते हैं, क्योंकि लिपाई मिट्टी से लिपाई करने के बाद ना फिर से गोबर से लिपाई कर देने से बिल्कुल नया फर्श जैसे लगता है लिपाई करने के बाद, और उसका कलर जो है ना बिल्कुल प्यारा लगता है और चेंज सा लगता है। तो फ्रेंड्स, आप सभी से आज जो है ना रिक्वेस्ट है, प्लीज़ आप लोग ना हर रोज़ हमारे कमेंट्स बॉक्स में यही कमेंट्स करते थे कि आप जो है बहुत ही अच्छा लिपाई किए हैं, ऐसे बोलते थे। लेकिन आज मैं चाहती हूँ कि आप लोग ना लिपाई के थ्रू जो है आप लोग कमेंट्स नहीं कीजिएगा तो अच्छा है, क्योंकि आप लोगों से मैं आज एक सवाल पूछ रही हूँ फ्रेंड्स, और सभी फ्रेंड्स से, एक से नहीं सभी से, क्योंकि हर किसी के मन में, हर किसी के दिल में अलग अलग सवाल होते हैं, अलग अलग सारी चीज़ें होती है, क्योंकि हर लोगों के मन में एक ही टाइप से पर्सनालिटी नहीं होती है। तो मैं आप लोगों से आज एक सवाल कर रही हूँ फ्रेंड्स, आप लोग ज़रूर बताइएगा, लेकिन जो है अभी नहीं, लिपाई के बाद। और आज जो है ना आप सभी पूरी ब्लॉग देखिएगा फ्रेंड्स, और पूरी ब्लॉग देखने के बाद जो है मैं आज क्या सवाल आप लोगों से पूछी हूँ, प्लीज़ आप लोग ना उसी का रिप्लाई दीजिएगा, क्योंकि हमें आज जानने की बहुत ज़्यादा उत्सुक हो रही है आप लोगों से। तो एक से पूछूंगी फ्रेंड्स, तो उन्हें जितना जानकारी सिर्फ वो वही बताएगा, तो आप सभी लोग बताइएगा अलग अलग तरीके से, तो हमें सारी चीज़ें की जानकारी जो है हो जाएगी। तो ऐसी कौन सी जानकारी है फ्रेंड्स, ये आप लोगों को बाद में पता चल जाएगी वीडियोस में ही, लेकिन अभी जो है लिपाई कम्प्लीट कर लेते हैं उसके बाद में। तो आप सभी बने रहिएगा फ्रेंड्स हमारे ब्लॉग्स के एंड तक कंटिन्यू, और बताइएगा भी कि हमने क्या आप लोगों से पूछा है आज, क्योंकि फ्रेंड्स हम इस तरीके से आप लोगों को पूछते नहीं हैं। जब बहुत ही ज़्यादा हमें, हमारे लिए इम्पोर्टेंट हो जाता है या फिर ख़ास बातें हो जाती है, तो मैं आप लोगों से इस टाइप से बोला करती हूँ। तो प्लीज़ आप लोग आज बताइएगा फ्रेंड्स, हमें सभी फ्रेंड्स से उम्मीद करती हूँ, एक से नहीं सभी से, जिसको जितना मतलब पता है, जितना जानकारी है सिर्फ वही बता दीजिएगा, बस उतना ही हमारे लिए काफ़ी है, क्योंकि हमें उसका थोड़ा सा शब्द भी पता नहीं है, इसलिए मैं आज आप लोगों से पूछ रही हूँ। तो आप लोग अभी वीडियोस पे लिपाई पुताई का एंजॉय कीजिए पूरी लास्ट तक, उसके बाद में जो है हम आप लोगों को बताते हैं कि हम आप लोगों से क्या पूछना चाहते हैं, और क्या आप लोगों की कमेंट्स थी जो कि हमारे दिल को छू गए, और हमें जो है ऐसा लगा जो कि आप लोगों तक हम पूछ रहे हैं फ्रेंड्स ऐसा सवाल। तो देखिए फ्रेंड्स, नेचुरल वॉइस में हमारा लिपाई और पूरी आनंद के साथ। Thank you.
छोटी तो फाइनली दोस्तों हमारा जो है बरंदे की दोनों बरंदे की लिपाई जो है कंप्लीट हो चुकी है, जो कि आप लोग देख सकते हैं फ्रेंड्स। हमने दोनों बरंदे को पुताई कर दिया है और बहुत ज़्यादा फ्रेंड्स गर्मी लग रहे थे लिपाई करते करते। तो फ्रेंड्स अभी हम ना इसको लिपाई पुताई करने के बाद जो है नहाने को चले जाएंगे फ्रेंड्स। वैसे भी हमारे यहाँ जो है पानी की बहुत ज़्यादा कमी हो गई है, सुबह टाइम पे पानी हो जाती है और दोपहर में जो है पानी नहीं होता, क्योंकि सभी लोग नहाने के लिए आ जाते हैं तो कुएँ का पानी जो है बिल्कुल कम हो जाती है। तो जो पंप लगाए हुए हैं मशीन, उससे पानी नहीं निकलती है तो हमें हाथ से खींचना पड़ जाता है फ्रेंड्स। तो अभी ना इसको पुताई करने के बाद जो है तुरंत से नहाने के लिए चले जाएंगे। आने के बाद जो है घर का सारा काम करूंगी, क्योंकि फ्रेंड्स उतने तक और भी आ जाएंगे लोग तो पानी जो है वो नहीं बचता है, इसीलिए जो है मैं चली जाऊँगी अभी। तो थोड़ी सी हमारे दरवाजे के पास पुताई करना बाकी रह गया था, तो मैं ना आंगन पे जो लिपाई की थी फ्रेंड्स आप लोग देखे थे, थोड़ी सी मैंने ड्रेसिंग बना रखी थी। तो एक फ्रेंड्स हमें बोलते हैं कि ड्रेसिंग ना बोलिएगा, ड्राइंग बोलिएगा, तो फिर वही समझ लीजिए फ्रेंड्स, वही बनाई हुई थी आंगन पे। तो उसी का कलर जो है वो थोड़ी सी बच गई थी, कलर नहीं है रहने को, लाल मिट्टी ही है, लेकिन जो है मोबाइल पे थोड़ा सा अजीब ही कलर लग रही है, बिल्कुल लाल दिख रहा है कुछ कलर जैसा, रहने को लाल मिट्टी ही है। तो बचा था तो उसी को यहाँ पर पुताई कर दे रही हूँ दरवाजे के पास में, क्योंकि हमें अच्छा लगता है यहाँ पर दरवाजे के पास, तो उसी को पुताई कर दे रही हूँ। थोड़ी सी बाकी था, ज़्यादा ही कुछ मिला दिए थे उस दिन जब घोल बनाई, तो बड़ी लड़की बनाई हुई थी तो उनको पता नहीं था कि मम्मी कितना ज़्यादा बनाएगी, तो ज़्यादा ही कर दी थी। तो फ्रेंड्स देखिए हमारा लिपाई भी कंप्लीट हो चुकी है, अभी हम चलेंगे नहाने के लिए। तो आप सबको पहले फुल लुक दिखाते हैं, अभी तो सूखा नहीं है, फिर भी से देखिए इस तरीके से दिखाई दे रहे हैं फ्रेंड्स, अभी तक नहीं सूखे हुए हैं। जब सूख जाएगा तो बहुत ही प्यारा लगेगा, लेकिन जो है अभी कच्चा है, तो कच्चा में थोड़ा सा कहीं पे सूखा है कहीं पे गीला है, तो वैसे में थोड़ी सी अच्छी नहीं लगती है। तो देखिए इस तरीके से मैंने अपने बरंदे की पुताई कर दी है फ्रेंड्स दोनों साइड का, और गोबर अभी अच्छा लगता है फ्रेंड्स, क्योंकि हरा हरा जो है ना घास निकल आई है, तो बैल सब भी हरा हरा घास खाते हैं तो गोबर भी बहुत ही अच्छा लगता है। देखिए हमारा पुताई हो चुकी है, उसके बाद फ्रेंड्स आप सभी से हम ना एक ही बार सुबह में मिल रहे हैं, दोपहर में कल लिपाई किए थे बरंदे की, उसके बाद में एक ही बार दोपहर नहीं सॉरी सुबह मिल रहे हैं आप लोगों से। तो यहाँ पर जो है हम लिपाई करने वाले हैं फ्रेंड्स, और कल जो है नहा धुआ करके आए, फिर कुछ भी ब्लॉग नहीं बनाए थे तो नहीं दिखा पाई फ्रेंड्स। तो आप सभी को प्यार भरी हमारे ओर से गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स सभी को।
तो हम जो है अपने चूल्हे की लिपाई करने में लगे हुए हैं सुबह सुबह, और रात भर में ना फ्रेंड्स जो है पानी गिर गई हल्की हल्की, तो आंगन हमारा गीला है और जहाँ पे हम बैठे हुए हैं वो भी गीला है, और हमारा जो चूल्हा इधर बगल वाला है वो भी कच्चा है फ्रेंड्स, बस वही सूखा है जो अभी लिपाई कर रहे हैं वो वाला, क्योंकि हल्की हल्की पानी गिर गई रात में। तो रात का सीन तो आप लोगों को दिखा भी नहीं पाते क्योंकि अंधकार था और रात से ही लाइट कटे हुए हैं, आए ही नहीं है हमारे घर पे लाइट फ्रेंड्स रात से ही। अब समझ नहीं आ रहा है कि मोबाइल हम चार्ज करें कैसे और आप लोगों तक वीडियोस जो है वो पहुंचाए कैसे। देखते हैं, रात भर हो गए और रात में भी बहुत ज़्यादा परेशान हुए हम लोग गर्मी से, क्योंकि हल्की हल्की बारिश तो हुई उसके बाद में जब छोड़ दी तो बहुत ज़्यादा गर्मी लगने लगी थी। तो यहाँ पर जो है पूरा कच्चा है फ्रेंड्स ज़मीन, तो इसको पुताई कर देती हूँ मैं, और आज भी फ्रेंड्स वही मिट्टी से पुताई कर रही हूँ। और इस टाइम पे ना कोई हमारे घर पे आए हुए थे जो कि हमारे मामा के लड़का जी, और हमारे मामा का घर जो है हमारे घर से ज़्यादा दूर नहीं है, तो बोलना चाहिए 4 किलोमीटर है, तो सुबह सुबह ही आए थे, हमारे उठने से पहले ही पहुंच गए थे, उनको मुर्गियों की ज़रूरत थी तो वही लेने के लिए आए हुए थे, क्योंकि सुबह सुबह ढकने के बाद खोल देते हैं तो दोबारा से मुर्गियां पकड़ में नहीं आती है, तो इसीलिए सुबह सुबह आ गए थे लेने के लिए। तो उन्हीं से हम बातें कर रहे थे और इधर लिपाई भी कर रहे थे, तो हमारे मामा जी के लड़के जो है वो बोल रहे थे कि रोज़ ऐसे ही करके मतलब आग जलाती हो ऐसे करके पूछ रहे थे, तो उन्हीं से बातें हो रही थी। और लोगों को तो पता है, जिसको पता नहीं होता वो थोड़े से नेगेटिव बातें भी करते हैं, तो हमें बहुत ज़्यादा मतलब हमारी मजाक उड़ा रहे थे फ्रेंड्स, तो उनसे बातें करते करते हमारा लिपाई जो है हो रही थी, और उन सब बात जो है मैंने म्यूट कर दिया फ्रेंड्स। तो दोस्तों मेरा लिपाई भी हो चुकी है और जो है सुबह का हमारा चूल्हे भी मैं जला चुकी थी और उसमें ना खाना वगैरह बना चुकी थी, उसके बाद जो है हमने खाना भी खा लिया है फ्रेंड्स। तो एक हमारे फ्रेंड्स कहते हैं कि आप लोग जब खाना पीना खाते हो तो उसे भी थोड़े से शूट करके दिखाइएगा ऐसे करके, तो जी ज़रूर दिखाएंगे, लेकिन जो है ऐसा हो जाता है हमारे यहाँ जिसको जिस टाइम पे भूख लगती है वो उसी टाइम पे खा लिया करते हैं, सबको वेट नहीं करते हैं, तो ऐसे में सब लोग साथ में हमेशा नहीं खाते हैं, कभी कभी ऐसा होता है जैसे कि शाम के टाइम पे तो सब लोग खाते हैं साथ में, तो कभी दिखाऊंगी जब हम लोग साथ में खाएंगे तब, क्योंकि सुबह में उनके पापा जी काम करने चले जाते तो एक ही बार 11 बजे आते फ्रेंड्स, तो उतने तक हम खा लेते हैं क्योंकि 11 बजे तक बहुत ज़्यादा भूख लगती है, और बच्चे तो उठते के साथ ही खा लिया करते हैं, तो ऐसे में मतलब साथ में बहुत कम खाना पीना होती है, इसीलिए ज़्यादातर नहीं दिखा पाती हूँ मैं। तो फ्रेंड्स आप लोगों को मैं आज की वीडियो में शुरुआत में ही कही थी कि आप लोग तो हमेशा मेरा लिपाई पुताई का कमेंट्स करके बताती ही हैं, लेकिन आज मैं आप लोगों से सभी से एक सवाल करना चाहती हूँ और आप सभी उसी का सवाल जवाब दीजिएगा, क्योंकि हमें जानकारी नहीं है तो हम किससे पूछ सकते हैं, इसलिए मैंने सोचा कि आप ही लोगों से क्यों ना पूछूँ, क्योंकि आप ही लोग हमें मतलब बोले हुए हैं और इस टाइप से करने को कहे हुए हैं, तो कहीं ना कहीं मैं सोची आप ही लोगों से पूछूं, क्योंकि मेरे फैमिली मेम्बर्स में कोई भी ऐसा पूजा नहीं करते हैं तो हमें पता नहीं है, तो इसलिए जो है मैं पूछना चाहती हूं आप सभी से, एक से नहीं सभी से। तो यहाँ पर देखिए थोड़ा सा दिखा दे रही हूँ, जो ऊपर में दिख रहा है ये सामने वाला कैमरा है इसलिए थोड़ी सी उल्टा दिख रहा है। तो एक हमारी फ्रेंड्स जो कि उम्र से हमसे बड़े होंगे, अच्छी बात है, बट उनका नाम जो है रीना डे है, और डीपी देख करके तो लगता है कि हमसे बहुत बड़े होंगे, हमारे दीदी की उम्र की होंगे। तो उन्होंने बहुत ही प्यारा कमेंट्स किया था, और क्या किया है वो मैं आप लोगों को बताती हूँ, और मेरे दिल को छू गए फ्रेंड्स, क्योंकि मैं ना बहुत से फ्रेंड्स का ब्लॉग देखा करती हूँ तो मुझे बहुत अच्छा लगता है, ऐसे लगता है काश कि हम भी ऐसे कर पाते, तो वो क्या चीज़ है वो भी बताती हूँ मैं। तो उन्होंने इस तरीके से कमेंट्स में लिखा हुआ है कि आप अपने आंगन पे एक तुलसी का पौधा क्यों नहीं लगाती हो ऐसे,
तो मैं बता दूं क्यों नहीं लगाती हूँ उसका भी बताऊंगी रीज़न। बस इनका जो है जितना कमेंट्स किए थे वो सारा चीज़ मैं पढ़ करके सुना रही हूँ। एक छोटा सा तुलसी का पौधा आंगन के बीचों बीच लगा दो, फिर उसमें रोज़ पानी डालना और दिया भी जलाना, तो देखना आपका घर का वस्तु अच्छा रहेगा, ऐसे बोल के कमेंट्स किए हैं। तो मैं बता दूं कि मैं एक तुलसी क्यों नहीं लगाती हूँ आंगन पे, क्योंकि फ्रेंड्स हमारे परिवार में किसी के घर पे मैं नहीं देखी हूँ और ना ही किसी को पूजा करते हुए देखी हूँ फ्रेंड्स। आज तक मैं इतनी बड़ी हो गई, छोटी से लेकर के इतनी बड़ी, तो हमें नहीं पता है कि उसको लगाना कैसे चाहिए। जैसे लगाते हैं वैसे तो हम लगा देंगे, लेकिन उसको मतलब कब पानी देना चाहिए, किस टाइम पे देना चाहिए, क्या खा पी करके देना चाहिए, ये भी नहीं पता है हमें। रियली बोल रही हूँ, नहीं पता है, क्योंकि हमारे परिवार में ऐसा कुछ भी कोई भी नहीं किया है, तो नहीं पता है। इसी वजह से जो है ना, मैं एक तुलसी का पौधा अपने आंगन पे नहीं लगाया करती हूँ। शौक़ हमें बहुत ज़्यादा है। एक बार हमारी छोटी ला करके लगाई हुई थी फ्रेंड्स तुलसी का पौधा, लेकिन जो है ना वो मतलब मर गया। तो मैं ना डर के मारे उसमें पानी तक नहीं देती थी, बच्चे ही खुद से देते थे और वही लोग लगाए हुए थे, क्योंकि हमें ऐसा लगता है कि तुलसी का पौधा को भी एक भगवान का ही रूप माना जाता है। हो सकता है हम कुछ खाए हैं, कुछ छुए हैं या फिर कुछ किए हैं, गलती से कुछ पानी दे दें और कुछ अशुभ हो जाए, तो फिर भगवान हमें बहुत बड़ा दंड दे देगा। ऐसे सोच करके बहुत सारे मेरे मन में सवाल उठते हैं और डर सा लगता है। तो आज जो है ना मेरे मन की बात जो है, रीना डे फ्रेंड्स हमें बोल दिए, तो मैं आप लोगों तक जो है मेरा मैसेज पहुंचा दी। भले ही आप लोगों को अच्छा लगे बुरा लगे, लेकिन हमें बताना फर्ज था और पूछना भी बहुत ज़रूरी था, क्योंकि नहीं पता है तो मैं किससे पूछूं, इसीलिए आप लोगों से पूछ रही हूं। तो प्लीज़ आप लोग सभी लोग बताइएगा कि कैसे दिन पे करना चाहिए, कैसे दिन पे नहीं करते हैं और कैसे कैसे करते हैं, वो सारी चीज़ें बताएंगे तो मैं भी करूँगी। हमें भी लगता है कि हम भी करें कुछ ऐसे करके, क्योंकि हमारे घर पे ना कुछ भी पूजा नहीं होती है, बस हम लोग ना कहीं मन करता है तो मंदिर चले जाते हैं, बाकी मेरे घर पे कुछ नहीं होता है। उनके चाचा के घर पे, बड़े पापा के घर पे, सबके घर पे होती है, बट मेरे घर पे कुछ भी नहीं होता, क्योंकि हम लोग दो ही लोग हैं, हम लोगों को बताने वाला कोई नहीं है, इसी वजह से कुछ भी नहीं होता है। तो अच्छी बात है आप लोगों ने हमें सलाह दिए हैं, तो आप ही लोग हमें बताइए और मैं करूँगी फ्रेंड्स। बहुत ज़्यादा गर्मी है फ्रेंड्स, बहुत अधिक गर्मी लग रही है, तो मैं दरवाजे के पास ही बैठी हूँ, फिर भी से बहुत ज़्यादा गर्मी है। तो फ्रेंड्स आज का हमारा ब्लॉग कैसा लगा, तो मैं जो है यहीं से एंड करती हूँ हमारा वीडियो को, और मिलूंगी फ्रेंड्स नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी को बाय बाय फ्रेंड्स।